हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एमएक्स प्लेयर को ऑटो स्टार्ट पर से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। गाइस, यहां पर ऐसा होता है कि ऑटो स्टार्ट ये होता है कि कोई भी एप्लीकेशन चल रही है, बैटरी पी रही है और उसके बाद हमें ऐड दिखा रही है हमारे सिस्टम पर, तो वो ऑटो स्टार्ट से ही होता है। ऑटो अपडेट्स, स्टार्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर इनको बंद करके आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इनको बंद कर सकते हैं तो और क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पर जो है मैं अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना होगा ये प्रोसेस करने के लिए। तो मैं अपने मोबाइल की सेटिंग्स में चलते हैं और सेटिंग्स में जाने के बाद गाइस यहाँ पर हमें मिलता है परमिशंस। तो परमिशंस को गाइस हमें खोल लेना है। थोड़ी सी नीचे जाएंगे तो यहाँ पर परमिशंस आपको दिख जाएगी। और जो गाइस हम सेट यूज़ कर रहे हैं वो Redmi नोट 5 प्रो है, इसके अंदर ही मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये फ़ोन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि Xiaomi के सेट्स में सब ये सारे फीचर्स रहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको खोल लेता हूँ और ऑटो स्टार्ट पर जो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो स्टार्ट, तो ऑटो स्टार्ट को आपको खोल लेना है। ऑटो स्टार्ट को जैसे आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको MX प्लेयर मिलेगा। MX प्लेयर को खोलते हैं, यहाँ पर अलाउ एप्स टू स्टार्ट ऑटोमेटिकली, और यहाँ पर आपको ट्रेंगेट स्टार्ट मिलता है, अलाउ दी ऐप टू बी स्टार्टेड बाय अदर ऐप। तो यहाँ पर इन दोनों को आपको बंद कर देना है। जैसे आप इन दोनों को बंद करेंगे तो उसके बाद गाइस आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी ऑटो स्टार्ट से रिलेटेड या ऑटो प्लेइंग से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, लाइक करने के साथ साथ गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।